अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा। सर अपना ते अपने इलाके दा नाम दसो। मेरा नाम सर आसम खान है ते पिंड मेरा है भुकल कलां। अच्छा ते हॉस्टल आप कदों दी पाल दे पे हो? सर जी 8 तो 9 महीने हो गए जे। 8 तो 9 महीने दा तजुर्बा किंजदा रिया तुहाडा? शुक्र अल्लाह दा बहुत चंगा रिया है, बड़ा मजा आया, फायदेमंद है। अच्छा सर किनिया मुर्गियां ने इस टाइम तुहाडे कोल? साडे कोल तकरीबन 600 है जी। माशाल्लाह। अच्छा हॉस्टल आप दे मुतलक लोगों का कहना है कि काली मुर्गी च काला सोना है, इस गल नू सही समझदे हो या एवें ही समझदे हो? ये गल बिल्कुल ठीक है सर, इहदे विच प्रॉफिट बहुत है। ये पाकिस्तान दे विच नवीं ब्रीड आई है, ठीक है। ये लेयर के मुताबिक ये उन्होंने अंडे ज़्यादा दिंदी है, ठीक है। एक खूबसूरती का मुल बड़ा है, ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, इन्हों पालना आम मुर्गियाँ जैसा ही है कि इन्हों का पालना थोड़ा मुश्किल है? इन्हों का पालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि जो जहाँ वक्त चलन दिया, जो जहाँ दौर जान दिया, जरासीम और बीमारियों तो ख्याल करना पैंदा, बड़ा एहतियात जरूर करना पैंदा, ठीक है। जैसे कि बंदा अपने बच्चों की केयर करता भी, जिन्ह की करे तो बहुत अच्छा है। सर इस मुर्गी के मुतलक लोगों ने ख्याल ने कि अंडिया की मशीन है, ये गल सच है या एवें ही है? ये गल बिल्कुल ठीक है, अंडे लाना अपने सिर पर है, ठीक है। जो तुम पाना कुछ नहीं तो इन्हें देना कुछ नहीं, इन्हों की खैतर तो जो करोगे देखभाल करोगे, ठीक है। अंडे वाली मशीन बिल्कुल बाकी गल सही है कि अंडे वाली मशीन है ने, ठीक है। सर साल दे विच तुहाडे अंदाजे दे मुताबिक किन्ने अंडे दे छड़दी है मुर्गी? साल दे विच तकरीबन 300 तो ज़्यादा दिंदी है, भावें तू 310 ला लो, 20 ला लो, ठीक है, भावें 30 ला लो। जो राइट है ने वो सानू तुसा दसने ने, क्योंकि 364 का ट्रेंड चलिया है, जो कमेंट बड़े बड़े भैड़े थले लोग करते हैं, जो सही राइट है ना, क्योंकि तुसी ते ऑलरेडी कर रहे हो, नहीं सर झूठ बोलने की लड़ कौन नहीं। 364 ठंडा तो गल गलत हैगी है, ठीक है। 12 महीने बंदा भी एक जैसा नहीं रहा, बीमार हो जाता, 100 हिसाब किताब हों, ठीक है। तुम इतों तक 330 तक कह सकते हो, 20 ला लो, 30 ला लो, 364 वाली गल जी गलत है, 300 कन्फर्म है। सर मुर्गी 300 अंडा देहड़े साल च किन्ने पैसे बन जाते हैं? सर तुम हिसाब ला लो, 70 तो 80 रुपये का जा रहा, 95 रुपये का जा रहा, इस टाइम हाई तो जान रहा, काम बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा 80 रुपये का एक अंडा जी? 80 रुपये का एक अंडा। सर कि लोग इन खरीदे इस अंडे में? सर जी जो बंदा कारोबार करना चाहेगा, जोड़ा बंदा इस मुर्गी के बारे जानता होगा, जिन्होंने पता है ये की फायदा, जे इस बंद ने जान जो बंद इन जानता नहीं, उन्हें 80 रुपये का अंडा नहीं लेना, जो जानता है उसके लिए 80 रुपये का अंडा भी सस्ता है। अच्छा सर तुसी जो स्टार्ट किया सी, तुसी ये चूजा लिया सी या तैयार मुर्गी लई सी? भाई सर चूजा लै के आया सा एक दिन दा। किन्ने दा पिया हजे? ये सानू तकरीबन 140 रुपए दा चूजा पिया सी। 140 रुपए दा चूजा ते इस टाइम तुहाडे कोले मुर्गी बन के तैयार हो गई है जी। ते सर जिहड़े अंडे दे रही है इस टाइम, प्रोडक्शन जिहड़ी आ रही है जी, उहदा की कर रहे? सर जी असीं इहदे हैचरी च अंडे लवा रहे हां ते बच्चे सेल कर रहे हां। ते अंडे नहीं सेल कर रहे? अंडे नहीं सेल कर रहे। सर बच्चे दा की रेट है? बच्चे दा तकरीबन 130 तो लाके 50 तक जा रहा। सर एक तो इस काली मुर्गी के नाम की दो नंबर ही बड़ी हो रही है जी, यदि कोई प्योरिटी की पहचान दस सकते हो फार्मर को? जी ये प्योर काली होंगी है, ठीक है, सुनहरी पंख होंगे ने, ये 19-20 का पंख दूसरा नहीं होना, धुप्पे ये पंख सुनहरी चमकनगे, फुल काली होंगी है, ठीक है। सर वजन यदा दूसरिया मुर्गियाँ जिन्ना ही है या उन्होंने ज़्यादा? इन्हों का उन्होंने तकरीबन थोड़ा ज़्यादा ही होंगे, मुर्गे का तकरीबन 3-4 किलो तक चल जाता है। खुराक सर उ उन्नी ही खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं? खुराक इन्हों की फर्को फर्क ही होंगी, खुराक उन्नी ही खाते हैं, ठीक है। खुराक का हिसाब हों, चूजे जो वजन बढ़ जाए फिर खुराक कभी बधानी पैंती है कभी घटानी पैंती है, अंडिया के हिसाब न। अंडे वाली मुर्गी की खुराक तकरीबन किसी कि पा रहे हो? 110 ग्राम अंडे वाली मुर्गी की खुराक असं 110 ग्राम पा रहे जी। सर अंडा कदे वजन किया किन्ने ग्राम का दे रही है मुर्गी? 55 अंडा 55 ग्राम, 60 ग्राम, कोई भी हो जाता 70 ग्राम का, कोई वैसे नहीं तो 55 60 50 ऐ फिक्स हैगा। सर एदा फ्यूचर तुसी की देखते पे उस मुर्गी का? एदा फ्यूचर फिलहाल देखो 4-5 साल बहुत अच्छा है, जेड़ा अगो दौर जा रहा बड़ा अच्छा रहेगा, कोई भी बंदा कारोबार करना चाहे, कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है।
यानी कि चार पाँच साल तक तुम इन देखते हो अच्छा जा रहा जी। उस तो बाद है कोई आइडिया की बनेगा? चार पाँच साल बाद हुकूमत भी टुट जाती है सरकार से, यदा हजे कुछ कहा नहीं जाता। चार पाँच साल तो हजे बिल्कुल क्लीयर नज़र आ रहा कि रोजी रोटी वाला काम है, वे बंदा कारोबार कर सकता है। दूसरा भाई दसो कि ना लीजा आते हैं मुर्गियाँ मरदियाँ बड़िया ने, वह बंद की अपनी एहतियात ना एहतियाती की वजह तो होंगे या कि तुहाड़िया किनिया की सीन गया सर्दी के बच्चे? सर जी मरदियाँ बंद की अपनी कमजोरी ना ठीक है, जिस बंद ध्यान नहीं करना, ख्याल नहीं करना, एहतियात नहीं करना ठीक है, तो वह फिर मरना ही है। जो बंदा ख्याल करेगा बच्चे भी करा गे, बच्चे कर रहे ऑलरेडी कर रहे हैं बच्चे ठीक है, अंडा भी करा गे इंशाल्लाह। अच्छा सर एक बंदा अपना घर चलाने वास्ते किन्नियां अस्तला पाल ले? सर जी अपना घर चलाने लिए 100-200 अस्तला हो तो बहुत अच्छी है, घर चलाने लिए बहुत अच्छा घर चलता है, बहुत अच्छा घर चलता है, बहुत अच्छा। एक काम करना मुश्किल समझते हो या आसान काम है? सर आसान कोई आसान जड़ा है, जिस बंदे ने करना नहीं ना उसके लिए बहुत मुश्किल है ठीक है, जिन्हें करना नहीं उसके लिए कोई भी काम है मुश्किल है। जो बंदे ने कर लेना तो होर इस कोई मुश्किल वाली गल कौन नहीं, अच्छा काम है जो बंदा लगन नाल करेगा तो मज़ा भी आएगा, कोई मुश्किल वाला काम कोई नहीं आएगा। इस काम नू किस तरह के लोग करना? बिजनेसमैन बंदे करन जिहड़े दिल खिलार सकदे ने ठीक है, जिन्हां नू अगों नज़र आवे फ्यूचर नज़र आवे, जिन्हां दा अकल काम करदी होवे कि इस फायदा हैगा प्रॉफिट हैगी है ठीक है, कम करके दो ते नमा करके छड के भज जाना कोई नहीं, जिहड़ा जिस बंदे ने भज जाना उहदे लई कोई फायदेमंद नहीं, जिस बंदे ने पक्का करना वे ठीक है दिल लगी नाल करना वे उस बंदे लई घाटा कोई नहीं। सर लास्ट ते आके इन्नियां मुर्गियां च किन्ना प्रॉफिट मंथली बच जाता है? डेली 350 अंडा निकलता तो तुसी उहनू खुद जरब तक ये सरकार हिसाब ला लो, डेली 350 अंडा निकलता, 500 मुर्गी है 600 ठीक है, जिहदे चों 500 मुर्गा भी हैगा, 10 मुर्गियां दे उत्ते एक मुर्गा है, 350 अंडा डेली निकलता, 80 रुपये का अंडा है, तो तुसी आप हिसाब ला लो की प्रॉफिट है की है। डिलीवरी चाहे डिलीवरी दे देंगे ठीक है, इतो लग जाए जिंज दिल करे नंबर है जो मर्जी आके रबता कर लैन पचा भी देंगे, तो माल की गरंटी है एक नंबर है उस गल की अं गरंटी लाँगे, दो नंबर ही एक फीसद नहीं होगी ये इंशाल्लाह ठीक है। सर बहुत शुक्रिया तुम्हें अपना कीमती वक्त दिता, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, अल्लाह हाफिज।